गाइस, आप लोगों को पता होगा हमारा हेल रेजर का टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले हेल रेजर में ऑक्शन चल रहे हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा ऑक्शन में क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर रहते हैं और वही कैप्टन भी होते हैं, तो उनके सामने बहुत सारे ई स्पोर्ट प्लेयर की प्रोफाइल आती है, तो वो प्लेयर को खरीदते हैं और वो अपनी एक टीम बनाते हैं। तो कल भी ऑक्शन चल रहा था, ऑक्शन में एक लड़की आई जिनका नाम है लेडी लक, जो बहुत टाइम से ई स्पोर्ट खेल रही है और जिनको बहुत सारे प्लेयर जानते हैं और जिनका गेम भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो उनके आते ही जो कुछ कंटेंट क्रिएटर थे उन्होंने बहुत गंदा बिहेव किया। मैं सारे क्रिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ क्रिएटर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत गंदा बिहेव किया और मेरे को वाला बिहेव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गंदा बिहेव करने से मेरा मतलब है वो डबल मीनिंग बात कर रहे थे, लेडी लव को लेडी लव बोल रहे थे, 14 फेब पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब मैं आप लोगों को वाली क्लिप नहीं दिखा सकता हूँ जिसमें क्रिएटर ने गंदा बिहेव किया, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को क्लिप दिखाऊंगा तो मेरे चैनल में स्ट्राइक आ सकती है। बट मैं आप लोगों को टाइम बता देता हूँ, आप जाके कल क्रिटिकल एक्स की लाइव स्ट्रीम देख लेना। वो टाइम है 1 घंटा 25 मिनट। आप लोग ये टाइम में लाइव स्ट्रीम देखना, आप लोग समझ जाओगे क्रिएटर ने कैसा बिहेव किया। अब बहुत सारे लोग मेरे से बोलेंगे, भास्कर भाई उन्होंने जो भी बोला उन्होंने मजाक में बोला। तो मैं उन लोग से एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप मजाक एक लिमिट तक कर रहे हो तो मजाक है, बट अगर आप लिमिट क्रॉस करके मजाक कर रहे हो तो मजाक नहीं होता है। और ये मजाक के उससे लेडी लक को कितना ज्यादा बुरा लगा, वो कितना ज्यादा हर्ट हुई, आप लोग को पता है? आप लोग को नहीं पता होगा, मैं आपको बैकग्राउंड में लेडी लक की स्टोरी दिखाता हूँ, आप लोग स्टोरी पढ़ लो। आप लोग बैकग्राउंड में स्टोरी देख सकते हो और स्टोरी के लास्ट में उन्होंने क्या लिखा है, नहीं रहना इस कम्युनिटी में। आप लोग खुद सोच सकते हो, जो लड़की इतने टाइम से ई-स्पोर्ट खेल रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, वो लास्ट में क्या बोल रही है, नहीं रहना इस कम्युनिटी में। इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो लड़की को कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। बस मैं लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, जिसने गंदा बिहेव किया है वो सॉरी बोल देना और लड़कियों की रिस्पेक्ट किया करो। अब आप लोग कमेंट करके पक्का बताना आप लोग का अपना ओपिनियन क्या है इस चीज में।